हाय गाइस, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल। हम खेल रहे हैं स्पिंटायर्स और देखिए, आप तो जानते ही हैं सारी दिक्कतें क्या चल रही हैं। और ये मैंने आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखाया कि क्या किया मैंने, कैसे ब्लू को निकाला। अभी भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इस ट्रक को निकाल पाऊँगा, नहीं निकाल पाऊँगा। 4320 में उतनी जान नहीं है जितना आप उम्मीद करते हैं, लेकिन करके देखते हैं कोशिश। नहीं हुई तो फिर डी को बुलाया जाएगा। और मैंने ये देखिए, आप एक अच्छी बात देखिए, मैंने ये जो है 4320 को भी ऐसी जगह पे खड़ा किया है जहाँ पत्थर नहीं है, जिससे कि इसे जो है मौका मिले पूरा खींचने का। तो शुरू करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके कि निकल आए। हिला लिया आ गया। लेकिन डेंजरस वाटर लेवल क्यों आ रहा है? क्या बचा सकूंगा मैं? बचा लिया गाइस। सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा शक था कि 4320 निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, लेकिन निकाल लिया। बहुत बढ़िया। अब मैं फटाफट पहले ये लंबर पॉइंट्स पहुँचाऊँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा डर गया था, मैं थोड़ा दूर से निकालूँ कहीं ऐसा ना हो ये डूब जाए ट्रक, क्योंकि आपने देखा वो फिर वही पत्थरों की वजह से ये मुड़ ही नहीं पा रहा था। जब मैं 4320 से भी खींच रहा था तो भी नहीं मुड़ पा रहा था। इसी दिक्कत की मैं बात आपसे पहले कर रहा था। अच्छा, आपसे बात ज़रूर कर रहा था मैं और मुझे अच्छी तरह से पता था ये होगा, और फिर भी मैंने गड़बड़ कर दी। लेकिन अब इस बात का एक सीख मिली है कि रिवर मैप में अगर हम इस रास्ते से आएंगे कभी ट्रक लेके, तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि आप पत्थरों के ऊपर से लो, वहाँ पे ट्रक फंसेगा कोई बात नहीं, विंच लो। लेकिन पत्थरों में तो, क्योंकि नदी में भी फंसना है, फिर आपको विंच नहीं मिलेगी पेड़ों की। तो आइंदा कर कभी आएंगे तो पत्थरों की लेंगे। पहले आज मिशन ख़त्म करें, ये इधर का ऑब्जेक्टिव हमारा ख़त्म, और अब हम कंसंट्रेट करेंगे जो रिवर के उस पार है, जो ऑब्जेक्टिव हमारे गराज के पास है। वो मैं अभी आपको मैप में दिखाऊँगा कहाँ तक हमें लंबर पहुँचानी है। ये तो अभी हम इस साइड पे ही थे, आ गया पीछे ट्रेलर आ गया। ये तो अभी हम इस साइड पे ही थे, रिवर के सड़क पे चलते हुए आ गए, और ये नदी में से मैं ले आया, कोई बड़ी बात नहीं थी, हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे रिवर के उस साइड पहुंचाना है, उसको भी मैं प्यार से कर लूँगा, थोड़ी स्ट्रेटजी हम सही रखेंगे। ये लीजिए गाइस, बधाई हो, 6 पॉइंट पूरे, और यहाँ का मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव भी पूरा, 8 में से 8, या आप देख सकते हैं खुशी खुशी हमारे 8 में से 8 पूरे हो गए हैं। चलिए, इतना तो हुआ। अब मैं क्या करता हूँ यार, एक टेंशन हो रही है कि बी में तेल बहुत कम बचा हुआ है। मैं बी से खेलने जा रहा हूँ, बी से मैं काम ये करने जा रहा हूँ कि मैं 2 लंबर के पॉइंट्स वहाँ ले जाऊँगा। मैं आपको चलते चलते बताता हूँ मेरा प्लान क्या है। ये देखिए आप, ये देखिए एक चीज़, कितना कम फ्यूल बचा है। अगर मैं इसे फ्यूल पॉइंट तक नहीं पहुंचा पाया तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे फिर कोई मदद के लिए बुलाना पड़ेगा ट्रक। वो मैं चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ खुद ही पहुंच जाए। पहले मैं काम करता हूँ, रोड पे आ जाऊँ। इसे भी मैंने ट्रक को बहुत इस्तेमाल किया, बहुत देर से चला रहा हूँ इसे मैं। आ आ आ आ आ टकरा गया, फंस गया क्या? चलिए बैक करके ले लेते हैं, दोनों के बीच में से आ गए। काश यही गराज हमारा खुला हुआ होता तो काफ़ी आसानी हो जाती, यहीं पे ही कुछ मैं करवा लेता। अरे यहीं पे आ जाते तो फ्यूल पॉइंट्स ही पड़ जाते हमारे। अब मैं ज़रा 1 सेकंड मैप में ये देख लूँ कि मेरा फ्यूल पॉइंट्स किधर हैं। ये खड़ी जीप, ये देख रहे हैं, यहीं पे फ्लॉप हो गई थी ये। मैं बस ये देख लूँ फ्यूल किधर है, और मैंने फेस भी गलत साइड कर रखा है, मुझे जाना है इधर। फ्यूल है ये, ठीक है। मैं बस एक बार ये देख लूँ कि रास्ता किधर से है फ्यूल का। ठीक है, समझ गया मैं, यहाँ तक आना है। मैं उल्टा खड़ा हुआ हूँ, पहले मैं सीधा हो जाऊँ। चलिए, फ्यूल तक का रास्ता है तो रोड तक का, लेकिन अभी भी आप देखें मेरे पास कितने 29 लीटर्स बचे हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैंने
डिफ लॉक ऑफ कर दिया है क्योंकि डिफ लॉक थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेता है। रोड है तो ज़रूरत ही नहीं है डिफ लॉक की, और 12 लीटर पर मिनट जल रहा है तो इस हिसाब से अब कोई हिसाब नहीं। अब तो मैं बस राम राम कर रहा हूँ कि हम फ्यूल तक पहुँच जाएँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगता है हम पहुँच जाएंगे, और नहीं भी पहुँचे तो 4320 है, मैं उससे मदद ले लूँगा। 4320 ने भी आज बहुत काम किया, अच्छा हुआ हमारा 6522 पहुँच गया, नहीं तो वैसे भी बस थोड़ा सा गेम प्ले लंबा हो जाता। मुझे डी को ज़िंदा करना ही है, मैं लंबर उस साइड रोड रिवर के उस साइड जो है लंबर जो है मैं डी से ही ले जाऊँगा, तो ज़िंदा करना ही था, उसके लिए मुझे उस साइड जाना ही है। ये देखिए यहाँ कहीं फ्यूल है, ये आ गया मैं, और यहाँ कहीं फ्यूल होना चाहिए, मैं आ गया हूँ जी हाँ। अब मैं मुड़ जाऊँ और डिफ्लॉग भी ऑन कर दूँ। बिल्कुल गाइस 19 लीटर बचे हैं, 19 लीटर समझ रहे हो, तेल बचा है, हाँ बड़ा पत्थर बच के, और तब आया हूँ मैं, हाँ राहत मिली, मुझे लगा ब्लू मेरा, मुझे खींचना पड़ेगा ब्लू, वो पूरा फुल हो गया, पूरी टंकी फुल, मज़ा आ गया। अब चलिए फटाफट लंबर ले लें। ओह पेट्रोल पंप में मैंने, यार ये मैंने गौर नहीं किया, बिल्डिंग बड़ी अच्छी सी है यार, एक बार ढंग से देखूँ मैं, वह बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग बनाई है। अरे कोई है, चाय वाय पिला देंगे सर तो बहुत मेहरबानी होगी। ये क्या घिस क्यों रहा है, एक सेकंड घिस क्यों रहा है ये, पता नहीं भगवान जाने अजीब सा बिहेवियर कर रहा था। अरे वो मे भी हो सकता है ना, मैं रोड ये थोड़ा सा प्लेन रोड है इसलिए, वापस रोड पे चलें। ओहो डैमेज यार, अब मैंने बहुत ले ली है कॉन्फिडेंस में रह रहे के कि ब्लू को लगेगी नहीं। अच्छा मैं गाइस एक और बात सोच रहा हूँ, वैसे मैं पहुँचाने को तो अकेले ब्लू को पहुँचा सकता हूँ रोड के उस पार, लेकिन मैं एक और कोशिश करने जा रहा हूँ, मैं 4320 के साथ ले आता हूँ उसे, ठीक है वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तेज़ी से पहुँचेंगे हम, और उधर से मैं लेके आता हूँ इसको, तो मैं पहुँचाऊँगा ऑब्जेक्टिव तक ब्लू को दो पॉइंट्स के साथ शॉर्ट लॉक के साथ, और उधर से मैं लेके आऊँगा C4320 को यूटिलिटी ट्रेलर के साथ। यूटिलिटी ट्रेलर अगर आप नहीं जानते हैं, उसमें ए जंप मार के ये दूर से निकालूँ टूटे हुए पेड़ से, उसमें यूटिलिटी ट्रेलर में दोनों चीज़ें हैं, वो रिपेयर पॉइंट्स भी अपने साथ ले आएगा, 1200 रिपेयर पॉइंट्स अगर आप ट्रक के ऊपर रखते हैं यूटिलिटी को, तो वो सिर्फ 800 पॉइंट से लेके चलती है, लेकिन अगर आप यूटिलिटी ट्रेलर लाते हैं घसीटते हुए तो उसमें 1200 पॉइंट है, और साथ में उसमें ऑयल भी बहुत आता है। मैं ऑयल की कैपेसिटी भूल गया, लेकिन शायद 1000 लीटर का उसमें ऑयल का ऑप्शन है, 1000 लीटर का, मतलब वो अपने आप में ट्रेलर चलता फिरता गराज है, अगर आप वो ले आए हैं इलाके में फिर आपको शायद ही ज़रूरत पड़े गराज तक जाने की, आपका ऑयल वॉयल का और रिपेयर पॉइंट्स की दिक्कत जो है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। यही रास्ता है जी हाँ, तो पहचान गया हूँ मैं, लंबर तक का रास्ता तो मैं प्यार से ले आता हूँ। पहले शुरुआत में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता था कहाँ गया लंबर का रास्ता, कहीं मैं आगे ना चला जाऊँ, लेकिन अब तो अलग से ही दिख जाता है। अब गाइस फटाफट जो है नदी के उस पार, वैसे आज शुरुआत नज़र ना लगे मैं फिर से कह रहा हूँ, टच वुड इनमें से एक पेड़ मैंने छू लिया है ऐसा आप सोच लेना, और अभी तक तो सब सही जा रहा है। अब मैं फटाफट यहाँ से लंबर लेके निकलता हूँ, रिवर के उस साइड पहुँचाता हूँ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। शॉर्ट लॉक्स लोड कर दें, लोड अप, चलिए लॉक्स लोड हो गए हैं, अब हम चल पड़े हैं रिवर के उस पार जाने के लिए। दो पॉइंट्स पहुँचाएंगे, उसके बाद 6 पॉइंट्स पहुँचाएंगे डी को ज़िंदा करके। ले जाने को तो मैं सी को भी ले जा सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा और सी पहुँच जाएगा,
255 पे मुझे इतना भरोसा है, वो निकल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब ऑप्शन है अपने पास तो क्यों ना हम सबसे अच्छा ऑप्शन ही लें। थोड़ी देर लगेगी लेकिन गारंटी तो होगी कम से कम, और फिर जो है ये रिवर मैप हमारा पूरा हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, और फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ रिवर मैप हमने पूरा खेल लिया और सब कुछ कर लिया। जब ऑब्जेक्टिव दोनों ही पूरे हो गए तो मैप ख़त्म है। फिर ये गराज ये है, इस मैप में अगर मैं सही कह रहा हूँ तो तीन तो हम गराज देख चुके हैं, एक जिससे हम चले थे, एक गराज आप जानते हैं बिल्कुल मैप के एक कोने में है, और एक यहाँ पर लंबर के पास है गराज, और एक गराज मैं आपको बताऊँ जहाँ दो क्लोकिंग हमने नहीं ली है मैप के उस साइड पर, वहाँ पर भी एक गराज है। यानी कि टोटल इस मैप में चार गराज हैं, मतलब जो इस मैप को जिन्होंने बनाया है डिज़ाइन किया है उनको भी थोड़ा सा लगा था कि ये थोड़ा कठिन मैप है, इसके कोने कोने में पहुँचना मुश्किल है, लेकिन वही वाली बात है, आपको सिर्फ ढूंढना होता है आसान रास्ता, वो हमने ढूंढ लिया। मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाया था, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा लूँ, ज़्यादा जोश दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और पिछली बार मैंने इसमें भी मार ली थी डैमेज, इस बार बचा के निकाल लिया। ठीक है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिए मैंने। अब गाइज ये ले जाने को तो मैं रिवर के उस पार से ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं 4320 के लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अब हम साथ साथ जाएंगे। मैं इसे एक बार बस पोजीशन में खड़ा कर दूँ, फिर मैं 4320 को लेके आता हूँ जो नदी के उधर खड़ा हुआ है। पहले मैं इसे पोजीशन में खड़ा करता हूँ, यहीं से उतरना है आई थिंक, जी हाँ यहीं से उतरना, यहीं से उतरना है। बस मैंने इसे खड़ा कर दिया। 4320 वेयर आर यू, ये रहा अपना 4320। चल भाई आ जा, आपके ये आगे से एक रास्ता जा रहा, उसी से ले लूँ या पीछे वाले से लूँ मैं, लेकिन एक बार देख तो लूँ। ले मैं हर जगह से लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे से रास्ता जा रहा है और मेरे ख्याल से हम जा सकते हैं उससे। ठीक है, मैं आगे से ही ले ले रहा हूँ, तो मैंने कभी रास्ता टेस्ट नहीं किया है इसलिए मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था उसके बारे में, लेकिन ठीक है जा रहा है। और अपना ये तो बिना बॉडी का ट्रक है, ये तो कहीं से भी उछलता कूदता निकल ही जाएगा, इसकी कोई टेंशन थोड़ी ना, ये कौन सा लंबर ले जा रहा है। गाइस रात हो रही है, वही वाली बात है, मैंने आपसे कहा था ना वो स्कूल मैंने पिछली बार तोड़ा था, बड़ी कर्री सजा मिली थी कि रात हो जाए स्काउटिंग मत करो, और मैं रात हो रही है तभी नया रास्ता ये देखिए देखने निकला हूँ। लेकिन सामने ही कहीं पर रोड है, लीजिए लाइट भी चमक गई रोड की, ऐसी कोई ख़ास स्काउटिंग नहीं हुई है, बस मैं रोड तक पहुँच, एक रास्ता है छोटा सा रास्ता है, दिख गया। ये जो सामने डंडी आपको नज़र आ रही है इसको तोड़ के जो है, अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आगे इसके पेड़ नहीं होने चाहिए, और हम जो है आज रात में ही ट्रैवल करेंगे। ए टूट जाओ, टूट गई, डैमेज काफ़ी लग गई, ओ ओ ओ ओ ओ, पेड़ में फंस रहा हूँ, आगे कुछ पेड़ तो नहीं है, आ, 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 निकल गए क्या, सामने रोड है, बड़ा ख़राब उल्टी पलटी मारता हुआ आया अभी भी। चलिए जी रोड तक तो पहुँच गए, अब मैं से ब्लू के पास और पहुँचा दूँ, ब्लू के पास हम ले जाएंगे पूरी स्पीड के साथ ले जाऊंगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ऑफ रोड पहिए क्या स्पेशलिटी होती है ऑफ रोड पहियों की, ये जीप के बराबर भाग सकता है, ये आप इमेजिन कीजिए, जीप के बराबर भागा रहा हूँ मैं इसे, बस कोई भी डैमेज ना ले लूँ बुरी तरह से चला के। स्पीड देखिए, ये फ़ायदा होता है ऑफ रोड पहियों का। बलून टायर्स ज़रूर आपको कीचड़ से बचाते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी स्पीड हमारी स्लो कर देते हैं, और ऑफ रोड पहिए लगे हों, अरे वाह वाह, देखिए कितनी तेज़ भागा रहा हूँ मैं इसे। यहीं कहीं से मुड़ना होता है, कहाँ कहाँ से, ये 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 उतरने की जगह आ गई, ठीक है जी आ गए। अब मैं जाके ज़रा विंच लगाऊँ ट्रक में, और प्यार से लगाता हूँ जिससे कि कोई भी डैमेज वैमेज ना हो, कम से कम मैं चाहता हूँ जो थोड़ी बहुत जो रोशनी बची है, ये टक्कर मार दी, थोड़ी बहुत जो रोशनी बची है उसमें फटाफट मैं ये रिवर क्रॉस कर लूँ।
लेकिन गाइस एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, रोशनी टाइम कम रह गया है, डूबता हुआ सूरज कितना प्यारा लगता है, ये देखें आप ऑरेंज ह्यू हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। टाइम नहीं वेस्ट करते और चलते हैं। चलिए जी, बस पलटे नहीं, मैं एक नज़र पीछे रखता हूँ। डैमेज क्यों ले रहे हो भाई, सही खींच लिया, सही खींच लिया। मेरे ख्याल से ब्लू पेप थोड़ा वजन है ना, इसलिए वो थोड़ा सा डूब गया, या हो सकता मैं थोड़े से गलत रास्ते से लेके आया हूँ उसे, पत्थर की वजह से डैमेज। कोई बात नहीं, आते जाओ, पलटना नहीं। चलिए अभी तक तो सब सही है। अरे 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 अरे, चलिए गाइस इस साइड आ गए हम रिवर के, ये अच्छी बात है। अब मैं सोच रहा हूँ इन्हें साथ साथ चलाऊँ या दिन होने का इंतज़ार करूँ। मैं थोड़ी देर इन्हें खींचता हूँ जितना रोड रोड है, और थोड़ा सा भी सर्कस वाली जगह आई तो मैं ये गेम प्ले ख़त्म कर दूँगा और हम कल ले जाएंगे। ये रोड थी या ये रोड थी, अरे यार मैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आई थिंक ये वाली रोड है। कोई भी रोड हो जा तो रही है, मैं हेडलाइट जला लूँ क्योंकि फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। अच्छा थोड़ा सा मुझे ख्याल रखना पड़ेगा कहीं मैं बहुत ज़्यादा जो है वायलेंटली उसे ब्लू को ना खींच दूँ, वरना वो भी पलटने का डर है उसका भी। ये देख रहे हैं डैमेज बहुत ले रहा है, और उसमें काफ़ी डैमेज हो चुकी है, ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास भी हैं नहीं। ये आ आ आ आ आ आ आ मैंने आगे देखा नहीं और पेड़ में जाके घुसेड़ दिया। चलिए थोड़ा सा रात में जब दिखता नहीं है ना तो प्रॉब्लम्स ही होने लगती है, दिन होता ना तो आप कॉन्फिडेंस में रहते हो थोड़ा सा। चलिए जी गाइज, अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मेरे ख्याल से हमें मुड़ना है क्योंकि मैं उधर से तो आता हूँ, मुझे ध्यान रहता है मैप का, लेकिन मुझे इधर से थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि किधर जाना है। इन शॉर्टकट से मैं वापस नहीं आता हूँ ना। ए, 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 मैंने कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं कर दिया, नहीं सही आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जब तक रोड है तब तक तो चलते ही जाओ। मुझे लगता है पत्थर पे अटक गया है और मैं ताकत लगा रहा हूँ इंजन की, निकल गया तो निकल गया वरना कोशिश हम करेंगे दूसरी, नहीं निकल पा रहा है, पत्थर खींच तो रहा है और निकल, आ, 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 आ। पत्थर के ऊपर से वो निकल गया, उसने डैमेज ले ली अच्छी खासी। चलो ये थोड़ा सा ना ये गौर करना पड़ता है कि पीछे भी जो है वो कहीं पत्थर पे से ना आ रहा हूँ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ शायद इधर से ही रास्ता है, हाँ यही रास्ता, ठीक ठीक ठीक, ये छोटी सी पहाड़ी सी जो आ रही ना ये आती है। गाइस एक मैं काम करता हूँ, ये मुझे लगता है कहीं पलट ना जाए, इसलिए मैं उसको अलग निकालता हूँ और इसको अलग निकालता हूँ, मैं विंच रिलीज कर रहा हूँ क्योंकि यही कुछ जगहें होती हैं जहाँ आपको धैर्य बरतना चाहिए, और यहाँ मैं बरत ले रहा हूँ थोड़ा सा धैर्य, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो छोटी सी पहाड़ी है ना वो टिल्ट कर देगी बिल्कुल, और ब्लू पलट सकता है फिर। अच्छा मुझे ये पलटने के सिस्टम को आगे भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि आगे भी बड़ी ऊबड़ खाबड़ सी जगह है। चलिए ब्लू जी अब आपको अकेले चलना है। चलिए आपकी भी मैं हेडलाइट जला दूं, ये टूट जाएंगी ये डंडियाँ, नहीं तोड़ने की ज़रूरत ही पड़ी, साइड में से हम निकल गए, ठीक है निकाल दिया मैंने प्यार से बिना किसी दिक्कत के। अरे चलता रहे भाई, देखा गाइस इसलिए कह रहा था कि ये थोड़ा सा भी ये कीचड़ जब आता है तो ये छोटे व्हीकल थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगे, थोड़ा सा।
चलो मैं तुम्हें जो है ट्रक के साथ ही ले चलता हूँ, 4320 के साथ ही, कोई ऐसी टेंशन की बात है नहीं। विंच का ऑप्शन ये रहा, ठीक है चलिए। हाँ थोड़ा सा देख के कि सही जगह से, एक्चुअली में क्या है ना, ये कीचड़ है ना, इसमें ऑफ रोड वाले पहिए जो हैं वो फेल हैं, आप ये देख रहे हो, थोड़ा सा ये फेल है क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए बने हैं, ये कीचड़ के लिए नहीं बने। अब मुझे किधर जाना है मैं ये भूल रहा हूँ दोबारा, आई थिंक नहीं नहीं हमें इधर से ही एक रास्ता मिलना चाहिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे गाइस। एक काम करते हैं गाइस, आज का गेम प्ले हम यहीं ख़त्म करते हैं, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं कल, काफ़ी मैंने पहुँचा दिया है और मैं आपको बताऊँ ये बिल्कुल सही टाइम है गेम प्ले ख़त्म करने का, क्योंकि अब थोड़ा ऊबड़ खाबड़ में से निकलना है। आप देख रहे हो ये आ चुका है वही शॉर्टकट, इधर मुझे घुसना है अंदर, वो ऊबड़ खाबड़ है वो दिन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना ये ब्लू के पलटने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, दिखाई देगा नहीं वहाँ पे, फिर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए गेम प्ले आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और देखते रहिए स्पिंटायर्स, यू आर ऑन इंडियन गेमर्स चैनल, सी यू।